आप देख रहे हैं हिसाब खेल का, मैं हूं लक्ष्मी। टीम इंडिया ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट बेंगलुरु के मैदान में आज दूसरा T20 खेलने मैदान में उतरेगी, जिसमें उसका फोकस मैच जीतकर घर में सीरीज बचाना होगा। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ दो मैचों की T20 सीरीज में विराट ब्रिगेड इस समय सीरीज में 0-1 से पीछे हैं। टीम इंडिया को विशाखापट्टनम में खेले गए पहले मुकाबले में 3 विकेट की शिकस्त झेलनी पड़ी, जिसमें उसने 126 रन बनाए थे और ऑस्ट्रेलिया ने आखिरी ओवर में रोमांचक तरीके से मुकाबला अपने नाम किया। हालांकि कप्तान कोहली पहले ही मई जुलाई में होने वाले विश्व कप के लिए टीम बना चुके हैं, मगर फिर भी ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 2 T20 और 5 वनडे की सीरीज में खास तौर पर नजरें KL राहुल और ऋषभ पंत पर टिकी हैं। अभी तक वेस्ट इंडीज बोर्ड के प्लेयर अपने कंट्री की टीम से खेलने से मना करते थे, मगर अब साउथ अफ्रीका के तेज गेंदबाज ड्यूएन ओलिवर ने सिर्फ 2 वनडे मैच खेलने के बाद साउथ अफ्रीका का साथ छोड़ दिया है। दक्षिण अफ्रीका के तेज गेंदबाज ड्यूएन ओलिवर ने अपने देश की टीम को छोड़ काउंटी टीम यॉर्कशायर के साथ 3 साल का करार किया है, जिसके चलते वो आने वाले विश्व कप 2019 में साउथ अफ्रीका टीम का साथ नहीं दे पाएंगे। बता दें कि ओलिवर ने हाल ही में पाकिस्तान के खिलाफ घरेलू टेस्ट सीरीज में डेब्यू किया था, जिसमें उन्होंने कहर बरपाती गेंदबाजी की थी। इसके बाद उनका चयन वनडे टीम में हुआ। ऐसे में 2 वनडे खेलने के बाद ओलिवर ने अचानक साउथ अफ्रीका का साथ छोड़ दिया और यॉर्कशायर के साथ कॉल्पक डील साइन की। इस डील के तहत अब वो 3 साल तक अपने देश की टीम का हिस्सा नहीं होंगे। ओलिवर ने अभी तक 10 टेस्ट में 48 जबकि 2 वनडे मैचों में 3 विकेट हासिल किए हैं। ओलिवर के इस फैसले से साउथ अफ्रीका क्रिकेट को बड़ा झटका लगा है। इंडिया के स्टार शूटर मनु भाकर ISSF शूटिंग वर्ल्ड कप में अपने परफॉर्मेंस से काफ़ी निराश थी, जिसके बाद जूनियर शूटर कोच जसपाल राणा ने उनके हार के पीछे का कारण मोबाइल को बताया है। भारत के गोल्डन शूटर मनु भाकर दिल्ली में खेले जा रहे शूटिंग वर्ल्ड कप के 25 मीटर पिस्टल और 10 मीटर एयर पिस्टल दोनों इवेंट से बाहर हो गई, जिसके बाद जूनियर कोच जसपाल राणा ने भारत के ओलंपियन शूटर अभिनव वृंदा वाली टिप्स इन निशानेबाजों को भी दे डाली। उन्होंने फोन बंद रखने और सोशल नेटवर्किंग से दूर रहने का सुझाव दिया। भाकर 25 मीटर पिस्टल में भी पोडियम तक पहुंचने में नाकाम रही थी और उन्हें अब बीजिंग में होने वाले अगले विश्व कप तक इंतजार करना होगा। साथ ही विश्व कप से दूर रहने पर राणा ने कहा, बट यार देयर आर फ्यू डिस्ट्रैक्शन व्हिच यू कैन कीप देम अवे फ्रॉम, लाइक यू नो, मोबाइल फोन हो गया, फंक्शंस हो गया और आपका डिनर पार्टीज हो गई। यू कैन कीप देम अवे फ्रॉम दीज थिंग्स एंड लेट देम वर्क ऑन द ट्रेनिंग प्रोग्राम एंड You have to make them strong, not to give them comfort zone that, you know, protect करके बिल्कुल उनको comfort zone में दो, आप उनको strong बनाइए ना। इंडियन टीम के फॉर्मर हॉकी कोच हरेंद्र सिंह ने पहला प्यार हॉकी को छोड़कर दूसरा प्यार फुटबॉल को अपनाने का फैसला किया है। उन्होंने कहा, हॉकी में कुछ नया नहीं बचा है और अब वह फुटबॉल से जुड़ने की योजना बना रहे हैं, क्योंकि वो इस खूबसूरत खेल को अपने पहले प्यार के बराबर मानते हैं। 50 साल के हरेंद्र ने कहा कि वो फुटबॉल के बड़े फैन हैं और स्पैनिश फुटबॉल के छोटे पास देने की टीका टाका स्टाइल के दीवाने हैं। फुटबॉल में जाने के लिए वो दिल्ली फुटबॉल से इस बारे में बातचीत कर रहे हैं। चलते चलते आज हम आपको बताएंगे कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स के बारे में जो स्पोर्ट्स जगत में आज के दिन को बनाता है आम से खास। आज के दिन 2015 में एवी डेविलियर्स ने अपने 360 डिग्री स्टाइल में बैटिंग करते हुए वनडे क्रिकेट में सबसे तेज 150 रन बनाए थे। इसके लिए उन्होंने सिर्फ 66 बॉल्स खेली, जिसके चलते साउथ अफ्रीका ने वेस्ट इंडीज के अगेंस्ट 408 रन का स्कोर बनाया था। आज के दिन यानी 27 फरवरी को 2011 वर्ल्ड कप का सबसे एक्साइटिंग मैच इंडिया और इंग्लैंड के बीच खेला गया था। इस वर्ल्ड कप को सभी जानते हैं कि इंडिया ने जीता था, मगर ये मैच ड्रॉ पर छूटा था, जिसमें इंडिया ने पहले बैटिंग करते हुए 338 रन बनाए थे और मास्टर ब्लास्टर सचिन ने 104 रन की सेंचुरी पारी खेली थी। वहीं इंग्लैंड के कप्तान एंड्रयू स्ट्रॉस ने 158 रनों की पारी खेलकर मैच ड्रॉ करवा दिया था।
आज के दिन ऑस्ट्रेलिया के फास्ट बोलर ग्लेन मैकग्रा ने वर्ल्ड कप इतिहास का सबसे खतरनाक बॉलिंग स्पेल डाला था। 2003 वर्ल्ड कप में उन्होंने नामीबिया के अगेंस्ट बॉलिंग करते हुए 7 ओवर में 15 रन देकर 7 विकेट्स चटकाए थे, जो कि वर्ल्ड कप में अब तक का बेस्ट बॉलिंग स्पेल है। तो ये थी खेल जगत से जुड़ी कुछ खास जानकारी। देखते रहिए हिसाब खेल का। आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा।